Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. अरे जनान ये कोठी मोठी लेकर कहां जा रहे हो? खैरियत तो है? गया था बाजार करने के लिए बेटा। अरे जनान आप इस उम्र में बाजार करने के लिए गए, क्या आपके बच्चे नहीं हैं? बच्चा को तो हाल ना पूछो, लड़की लड़का पोती पोता सबको मिलाकर कुल 25 बच्चे। आपने कहावत तो सुनो होगी, 100 पुत्रों की एक दो नाकाम की हमारा हाल। तोबा तोबा, ये कैसे बच्चे हैं? क्या आपने उन्हें मदरसे की तालीम नहीं दी? हमने समझा था कि बेटा हाफिज या मौलवी मुल्ला बनेंगे तो महीने के 2-3 हजार रुपया किसी मस्जिद या मदरसे में कमाएंगे तो कुछ क्या खाएंगे, हमें क्या बुलाएंगे। अरे चाचाजान, ये तो आपकी बहुत गंदी सोच है। अंग्रेजी पढ़ने वाला ही खिला पाएगा, हाफिज मौलवी धूंगा मार देगा। चलिए चाचाजान, एक मौलाना मौलाना साहब, मैं आपके ही मदरसे में पढ़ता हूँ, ये चाचाजान कह रहे हैं हाफिज मौलवी खुद क्या खाएगा और बच्चा खुद का खिलाएगा, जरा इनको समझाइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चाचाजान, अक्सर लोगों की यही सोच है, मुल्ला मौलवी आदि खा कमा नहीं खाते, सबको खिलाने वाला तो अल्लाह है, वही सबको खिलाता है, वही सबको पिलाता है, वही सबको रोजी देता है। रोजी का ताल्लुक डिग्री से होता है, अनपढ़ लोग भूखे मर जाते हैं। मौलाना साहब आपके बात बिल्कुल ठीक है, लड़की लड़का पोती पोता मेरा कहना नहीं मानते तो मैं क्या करूं। अरे चाचाजान, अगर आपने उन्हें मदरसे की तालीम दी होती तो ये हरगिज ऐसा नहीं करते। मदरसे में यही सिखाया जाता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। समझ में आया? जी भाई बेटा, कुछ कुछ। चलिए चाचाजान, आपको इस दिन के बारे में कुछ मालूम है? जी बेटे। चलिए बताइए, मुसल में कितने प्राइज हैं? मुसल में 8 प्राइज है। कौन 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 से? नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 दोष या मंजन का होना, नंबर 3 बाल्टी या डोंग का होना, नंबर 4 लुंगी या कुर्ते का होना, नंबर 5 कपड़े दाखिल रखे जाना, नंबर 6 इस्तेजा करना, नंबर 7 मेदुल फला जाना, नंबर 8 सबसे अहम बात ठंडी में गर्म पानी का होना। ये तो बहुत आसान है, मैं समझा था कि 10-20 हो गए।